कि जेएसबीसीएल और उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग के कई अधिकारी फिलहाल अवैध शराब कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। जानकारी देते चले कि 1 करोड़ रुपए की सरकारी राशि का गबन करने वाले शख्स नीरज कुमार सिंह पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। नीरज सिंह के पीछे है उत्पाद विभाग और जेएसपीसीएल के कई अधिकारियों का हाथ। साथ में जानकारी देते चले कि गुमला के तत्कालीन उपायुक्त ने 2021 में नीरज सिंह के खिलाफ कुर्की जब्ती करने का आदेश दिया था, नियमवाद दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। नीरज सिंह अब गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, धनबाद, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा में धड़ल्ले से शराब का कारोबार कर रहे हैं। विजन हॉस्पिटैलिटी मार्शल कंपनी बन बैठा है रीजनल हेड। आपको बताते चले इन तमाम फर्जीवाड़े पर भी विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं कोई भी कार्रवाई। टीवी 45 संवाददाता ने नीरज सिंह से सवाल पूछा, सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके विरोधी उनका दुर्प्रचार कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है, क्या कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है, ये तो समय बताएगा, लेकिन इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, देखिए तमाम फर्जीवाड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसी बीच जब नीरज सिंह से सवाल पूछा गया आपके द्वारा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके विरोधियों के द्वारा दुर्प्रचार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम की कोशिश की जा रही है, लेकिन धड़ल्ले से उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली, लगातार शराब का जो कारोबार है वो करते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरी अहम जानकारी आपके पास? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि नीरज सिंह जो है उसने झारखंड सरकार का ही 1 करोड़ रुपया नहीं दिया है अब तक। ये 2021 में जब वो गुमला में शराब का दुकान चलाता था तो 1 करोड़ के आसपास जो उसको रेवेन्यू देना था जेएसबीसीएल में, झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, उसने वो जमा नहीं किया। और जब उस समय तत्कालीन उपायुक्त ने जांच कराई तो इसने पाया कि शॉर्टफॉल बिक्री का जो शॉर्टफॉल है वो करीब 1 करोड़ के आसपास था। तो उस समय नीरज सिंह के आवास पर कुर्की जब्ती करने और 1 करोड़ की वसूली के लिए नीलामवाद दर्ज करने का आदेश तत्कालीन उपायुक्त ने दिया था, जो आज तक नहीं हुआ। इसके बाद से नीरज सिंह जो है झारखंड में नई जो उत्पाद नीति लागू हुई तो उसके बाद विभिन्न कंपनियों में काम करता रहा। पहले जीडीएक्स में काम करता था, उसके बाद विजन हॉस्पिटैलिटीज के साथ ये जुड़ गया, और विजन हॉस्पिटैलिटीज के साथ जुड़ने के बाद ये 7 जिलों में काम देख रहा है। तो क्या जेएसबीसीएल के अधिकारी या उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के जो अधिकारी हैं ये उसे संरक्षण दे रहे हैं, या क्यों नहीं कोई कार्रवाई नीरज पर हो रही है जो सरकार का ही पैसा दबाकर बैठा हुआ है? और ये पता चला कि अब धनबाद में भी इसने दूसरी कंपनी बनाकर वहां का रीजनल हेड बन गया। धनबाद जैसे शहर में 50 से अधिक शराब की दुकानें हैं और वहां भी काफी जो है सोर्स पैरवी लगाकर ये उत्पाद विभाग और जेएसपीसीएल के अधिकारियों की मिलीभगत से वहां भी कारोबार शराब का कारोबार कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जेएसपीसीएल और उत्पाद विभाग के अधिकारी ही यहाँ पे अवैध शराब का कारोबार और ओवर रेटिंग या ओवर प्राइसिंग के खेल में शामिल हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो है जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं उनके द्वारा एक निश्चित रकम जो है सभी अधिकारियों को महीने में दी जाती है। जी चलिए, तमाम हम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, खबरों पे बने रहेगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त दिखा रहे थे जहां आपको बता दें कि धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार देखने को मिल रहा है, और सवाल पूछने जाने पर यह कहा गया कि दुर्प्रचार उनके विरोधी के द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है ये देखना।